केम शो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं JWE 2019 में पूछा गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन तो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो 2019 में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा इफ cos inverse 2 by 3x plus cos inverse 3 by 4x is equal to दिया हुआ है pi by 2 जहाँ पे x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 3 बाय फोर है देन x इज इक्वल टू इन चारों में से क्या होगा वो यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके हमको फाइंड आउट करना चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ पे एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जिसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी कुछ ऐसी है कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ए इंटू बी माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए इस आइडेंटिटी को हम कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं वैसे का वैसा कॉस इनवर्स टू बाय थ्री एक्स प्लस कॉस इनवर्स थ्री बाय फोर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू चलिए ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये ये हो जाएगा A ये हो जाएगा जाएगा एंड तो क्या मिलेगा ए इंटू बी यानी कि टू बाय थ्री एक्स इंटू थ्री बाय फोर एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्त वन माइनस ए की वैल्यू है टू बाई थ्री एक्स उसका वैल्यू B B है थ्री बाय फोर एक्स थ्री का स्क्वायर नाइन एंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एक्स का इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा पाई बाय चलिए इस कॉस इनवर्स को सामने की साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस है कॉस पाई बाय टू इसको सिंपलीफाई करते हैं थ्री थ्री यहाँ पे कैंसल टू यहाँ से फोर के साथ टू के साथ कैंसल तो बचा क्या ऊपर की साइड कुछ नहीं बचा तो वन अपॉन यहाँ पे टू एक्स इनटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्वेयर त अंडर रूट यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा नाइन एक्स फोर अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन एक्स इक्वल टू पाई बाय पाई बाय अभी देखिए कॉस पाई बाय टू यानी कि कॉस नाइनटी क्या होता है जीरो तो ये माइनस है सामने की साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे बचा वन अपॉन टू एक्स देखिए रूट में नाइन एक्स स्क् माइनस फोर वैसे का वैसा अपॉन इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा नाइन का रूट हो निकल जाएगा थ्री एंड एक्स का हो जाएगा एक्स इन टू यहाँ पे उसी के लिए सेम हो जाएगा यहाँ पे माइनस नाइन वैसे का वैसा अपॉन सिक्सटीन का रूट क्या होता है एंड का रूट हो जाएगा चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रहेगा नाइन एक्स स्क् माइनस फोर इंटू अंडर रूट सिक्सटीन एक्सक्वाइनस नाइन अपॉन थ्री इंटू फोर क्या हो जाएगा ट्वेल्व x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स अभी देखें दोनों साइड डिवीजन में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ से टू के साथ यहाँ पे क्या कैंसिल हो? हो जाएगा सिक्स ये साइड सिक्स डिवीजन में है सामने की साइड मल्टीपल में चला जाएगा तो हमको मिलेगा सिक्स इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू अंडर रूट सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अभी यहां से हमको रूट को हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर ले, ले लेते हैं तो सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो रूट निकल जाएगा यानी कि माइनस चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा थर्टी सिक्स वैसे का वैसा नाइन एक्स स्क्वायर इंटू सिक्सटीन एक्स स्क् क्या हो जाएगा हो जाएगा प्लस फोर इंटू नाइन क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगी कैंसर या फिर उसको यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा वो माइनस चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं देयर फोर जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा वन फोर्टी फोर एक्स रेस टू फोर इन दोनों का एडिशन क्या मिलेगा माइनस वन फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर

145 अपॉन 144 का रूट क्या हो जाएगा यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया रूटी फाइव अपॉन ऑप्शन के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन जो पॉजिटिव के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं किया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक ही आइडेंटिटी को यूज करना था कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू बी माइनस अंडर रूट वन माइनस ए वन माइनस उसको यूज करके एक की बी की वैल्यू फाइंड की उसको क्या किया आइडेंटिटी में रख के सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर मिल गया ए ऑप्शन यानी कि रूट वन फोर्टी फाइव अपॉन